खुले गटर मौत का सामान, वासा की नहली, एक और मासूम की जान ले गई। ताजपुरा रजा कॉलोनी में 3 साल बच्चा नमान खुले गटर में गिरकर जान बहक। एसडीओ नमान खालिद और सब इंजीनियर मोहम्मद काशिफ मौतल। एमडी वासा ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। गुजापीर रोड पर वासा ने सीवरेज सिस्टम नहीं लगाया, तामीराती काम पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने करवाया था। सैयद जाहिद अजीज। डाकू शहर में बेलगाम, पुलिस नकेल डालने में नाकाम। इस्लामपुरा, निश्चर कॉलोनी, शफीकाबाद और टाउनशिप में डाकुओं ने उधम मचा दिया। चंद घंटों में 15 डकैतियां, शहरी लाखों से महरूम। शादबाग, शमायली छावनी, सांदा रावी रोड में भी शहरी लुट गए। हुकूमत नहीं मान रही तो रिक्शा यूनियन भी पीछे हटने को नहीं तैयार। एलपीजी की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आज फिर एहतजाज। बाबू साबू इंटरचेंज पर सड़कों को ब्लॉक करके मुजाहरा किया। नारेबाजी, मुजाहरीन ने एहतजाजन रिक्शा भी नजर आतिश किया। मुजाहरीन का ठोकर न्यास बे की जानिब रुख। फिर मुजाहरा करेंगे, शाम 6 बजे मेट्रो बस का पहिया जैम करने का ऐलान। हरबंसपुरा जलाल कॉलोनी में महकमा रेलवे का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन, रहायशी सराफा एहतजाज बन गए। टायर जलाकर शदीद नारेबाजी की, रिंग रोड ब्लॉक कर दी। 40 साल से मुकीम है, अब निकाला जा रहा है मुजाहिरी। हॉलैंड में गुस्ताखाना खाकों की इशात के खिलाफ चुंगी अमर सद्दू में एहतजाज। मुजाहिरीन का गुस्ताखी के मुर्तकब ममालिक के बायकॉट का मुतालबा। नामू से रसालत के लिए सब कुछ कुर्बान है मुजाहिरीन। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने मियानी साहब कब्रिस्तान के अराजी पर कब्जा करने वाले अफराद की रिपोर्ट तलब कर ली। मियानी साहब कब्रिस्तान की 4 दीवारी मुकम्मल, 1000 सायादार दरख्त लगाए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सफदर विट ने रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करवा दी। समाप्त कल तक मुलतवी। अदालत कब्रिस्तान में पक्की कब्रें बनाने पर पहले ही पाबंदी लगा चुकी है। आशियाना इकबाल स्कैंडल, मुलजिम फवाद हसन फवाद की फिर एहतसाब अदालत पेशी। अदालत ने नैब की दरख्वास्त पर मुलजिम को इस्लामाबाद ले जाने के लिए 2 रोजा राहदारी रिमांड की इजाजत दे दी। पीटीआई के खिलाड़ी भी कप्तान के नक्शे कदम पर। सूबाई वजीर बल्दियात ने बल्दियाती इदारों की बेहतरी की ठान ली। नाहल और करप्ट अफसर की सिफारिश नहीं होगी, 2 माह में वासे तब्दीली लाएंगे। अलीम खान के इजलास में अफसरान से गुफ्तगू। सूबाई वजीर एक्साइज हाफिज मुमताज ने भी बाकायदा काम शुरू कर दिया। एक्साइज दफ्तर में इजलास की सदारत की। वजीर सेहत यास्मिन राशिद से सेक्रेटरी सेहत की मुलाकात। सेहत के मंसूबों पर तबादला ख्याल। आम इंतखाबात के बाद अब ज़िमनी इंतखाब का मार्का। इलेक्शन कमीशन ने स्केड्यूल जारी कर दिया। 37 नशस्तों पर इलेक्शन होंगे। लाहौर से कौमी असम्बली के 2 हलकों N124 और N131, जबकि PP164 और PP165 पर मुकाबला। कागजात नामजदगी मिलना शुरू हो गए। 28 अगस्त से वसूल किए जाएंगे फहरिस्त। 31 अगस्त को आवेजा की जाएगी। N124 से लीगी रहनुमा सुहेल चौकत भट्ट के नुमाइंदे समेत 10, जबकि N131 से 13 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए। इलेक्शन में फराइज की अदायगी रिटर्निंग अफसरान ने हल्फ भी उठा लिया। एक तो महंगाई ने मत मार दी और ऊपर से यूटिलिटी स्टोर्स का ऑपरेशन भी मकरूह। शहर के 50 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स वैरान होने लगे। दालें, चीनी, चावल समेत दीगर अशिया तो मिलती नहीं, जो मिलती हैं वो बाजार से भी महंगी हैं। अब आपने यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करना ही छोड़ दिया।
वासा में भी घपलों की तहकीकात का आगाज हो गया। ऑडिटर जनरल ने वासा का सालाना ऑडिट शुरू कर दिया। साल 2017-18 में होने वाली आमदनी और अखराजात का ऑडिट किया जाएगा। अंदरून शहर में रहायशी इलाके अलग, कमर्शियल अलग। वॉल सिटी के प्लान को एलडीए के मास्टर प्लान में शामिल करने का फैसला किया गया है। प्लान की मंजूरी के लिए वॉल सिटी का एलडीए को मरासला। जिला इंतजामिया शहर स्मोक के घेरे में आने से पहले ही इकदाम करेगी। कटाई के बाद फसलें जलाने, भट्टे बंद रखने और धुआं देने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। कमिश्नर डॉक्टर मुश्तबा पराचा की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले। डीसी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन का गुलबर्ग जोन का दौरा। इंसदाद डेंगी के हवाले से इंतजाम का जायजा लिया। मेट्रोपॉलिटन का मॉल रोड को खूबसूरत बनाने के हाईकोर्ट के हुक्म पर मनोमन अमल करने का फैसला। अनारकली चौक से चेयरिंग क्रॉस तक तारीखी इमारतों की ताजीने और आराइश भी की जाएगी। भारी रकम खर्च की जाएगी। 1,12,00,000 के अखराजात की मंजूरी हाउस के आइंदा इजलास से ली जाएगी। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ईद उल अजहा पर अच्छी कारकर्दगी। लाहौर चैम्बर का MDLWMC को तारीफी खत। अफसरान और अमले की कारकर्दगी को सराहा। डॉलर की कद्र में मुसलसल दूसरे रोज भी इजाफा। 20 पैसे कीमत बढ़ गई। सोने ने भी चमक दिखाई। फी तोला 1100 रुपए महंगा हो गया। साबिक कौमी कप्तान वसीम अकरम ने एहसान मानी की तकर्री को मुल्क क्रिकेट के लिए खुशाइन करार दे दिया। कहते हैं इमरान खान दोस्त हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ओहदा लूं, किसी ओहदे का ख्वाहिशमंद नहीं हूं। लेजेंड क्रिकेटर ने शुगर की बीमारी से मुकाबला करने के गुर भी बताए। और बच्चे खुश हो जाए, चिड़ियाघर से आई हैं अच्छी खबरें। ऑक्टेयर ने दिया है बच्चे को जन्म। जू में हिरन की तादाद 20 हो गई। शेखुपुरा से पकड़ा गया 16 फुट लंबा अजदहा भी जू फैमिली का हिस्सा बन गया।